Jai Ho! Subscribe the channel and press the bell icon. Would never miss updates from Charammangal. Jai Ho! प्रश्न है कि हम सांसारिक लोग हैं, थोड़ा थोड़ा करके जैसे धन इकट्ठा करते हैं, वैसे ही थोड़ा थोड़ा करके पुण्य कर्म भी इकट्ठा करते हैं। धन कब खर्च होता है वो तो शायद फिर भी पता लग जाए, लेकिन ये पुण्य कब खर्च हो जाता है वो हमें पता ही नहीं लगता। और जब पुण्यवाणी खत्म हो जाती है, पाप का उदय होता है, तो हमें दुख होता है। तो हम इन समस्याओं से कैसे निजात पा सकते हैं, हमें पता कैसे लगे कि पुण्यवाणी कब खत्म हो रही है? ठीक है, जय हो। पुण्यवाणी कब खत्म हो रही है इसका पता लग सकता है, जब जब आपका मूड खराब हो रहा है पुण्यवाणी खराब हो रही है। जब जब मूड खराब किया ना, तब तक पुण्यवाणी नष्ट हो रही है। करते हो मूड खराब? बहुत करते हो। अभी सोच समझ लेना कि जैसे ही मूड खराब किया पुण्यवाणी खत्म। एक बात, अपना मूड किया चाहे किसी और का मूड किया, मतलब दोनों ध्यान रखना। खुद का मूड खराब किया तो भी पुण्यवाणी खत्म, और अपने साथी का मूड खराब किया, किसी का भी मूड खराब किया तो भी पुण्यवाणी खत्म। ठीक है, दूसरी बात, जब जब प्रमादी बन गए, लालची बन गए, आलसी बन गए, और प्रमादी लालची और आलसी व्यक्ति निश्चित है कल्पनाओं में भोगों में रमण कर रहा होगा, और जो व्यक्ति कल्पनाओं में भोगों में रमण कर रहा है वो अपनी पुण्यवाणी को मानसिक रूप से भोग के खत्म कर रहा है। प्रैक्टिकली नहीं भोग रहा है, मानसिक रूप से भोग के खत्म कर रहा है। जैसे आज के जमाने में बहुत अच्छा साधन है लोगों के पास ऐसी पुण्यवाणी खत्म करने के लिए, टीवी, मोबाइल, इंटरनेट। दिन भर इमेजिनेशंस में आदमी कहाँ की कहाँ, कहाँ की कहाँ, बहुत पुण्यवाणी खर्च होती है, और ये पूरा हमारी मानसिक शक्तियों पे अटैक हो रहा है, लेकिन हम जानते ही नहीं, अटैक करवाते रहते हैं और अपनी मानसिक शक्तियों को वही खर्च करते रहते हैं। ये भी पुण्यवाणी खर्च होने का एक बहुत बड़ा कारण आज के युग में। ठीक, और तीसरा बड़ा कारण पुण्यवाणी खर्च होने का, जब दूसरे पुण्यवान लोगों को देखकर मन प्रसन्न होने की बजाय दुखी होता है। जब किसी को सुंदर कपड़ों में देखते हो, मेरे पास क्यों नहीं है, किसी को सुंदर सुविधाओं में देखते हो, स्वतंत्रता को भोग करते हुए देखते हो, तो मन ही मन जलते हो, अरे उनकी बहू तो ऐसी रहती है, हमारे घर में तो ऐसी छूटी नहीं है, उनके घर में लोग तो इस तरह से मजे करते हैं, हमारे घर में तो बहुत मुश्किलें हैं। तो जब भी आप किसी की स्वतंत्रता, सुविधा, सम्मान, यश, सौंदर्य, धन वैभव को देख करके मन ही मन ईर्ष्या करते हो, दुख मानते हो, पीड़ित होते हो, प्रसन्न नहीं होते हो, आप अपनी पुण्यवाणी खत्म कर लेते हो। ठीक है, और जब भी आप घमंड में आते हो, यश मिलने पर, सुविधा मिलने पर, वैभव मिलने पर, स्वतंत्रता मिलने पर, सम्मान मिलने पर, आपके नाम का सिक्का चल रहा है ये देख करके, जब भी आप घमंड में आते हो, हम अपनी पुण्यवाणी खत्म कर देते। ठीक है, और इतना कारण पता लग गया तो शायद बहुत है। और पुण्यवाणी खत्म होने से रोकने के लिए इन कारणों पर हमेशा सजग रहना, सजग रहना, अपनी पुण्यवाणी के ऊपर घमंड करना नहीं, दूसरों की पुण्यवाणी से ईर्ष्या करनी नहीं, और लापरवाह होकर के कल्पना में रमण करना नहीं, और मूड खराब करना नहीं। जय हो।